क्या तुमने कभी कॉमिक बुक्स पढ़ी हैं? ये सवाल करते हुए अक्सर आपको जो रिप्लाई मिलेगा वो होगा, हाँ बचपन में पढ़ी थी, चाचा चौधरी, साबू, पिंकी, बिल्लू, ये सब पढ़ते थे। और ये रिप्लाई करने वाले लोग जरूरी नहीं कि आज के टिपिकल कॉमिक बुक फैंस हो, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके माता पिता, बड़े भाई, दीदी, कोई भी जॉब करने वाले आपके जानकार, यहां तक कि आपके टीचर्स, आपके रिलेटिव्स, कोई भी। बेहद रोचक बात यह है कि भारत में आज भी चाचा चौधरी, साबू जैसे पात्र को कॉमिक बुक्स के पर्यायवाची के रूप में जाना जाता है। कॉमिक्स मतलब, और इस पॉपुलैरिटी और लेगेसी का श्रेय जाता है इनके आर्टिस्ट और पब्लिशिंग हाउस को, डायमंड कॉमिक्स प्राइवेट लिमिटेड। कॉमिक बुक्स की थोड़ी बहुत भी जानकारी रखने वाला आपको यह बता सकता है कि भारत में अर्ली 80s से लेकर आज तक सिर्फ 3 पब्लिशिंग हाउस ही पॉपुलैरिटी के शिखर पर रहे हैं, अमर चित्रकथा, राज कॉमिक्स एंड ऑफ कोर्स डायमंड कॉमिक्स। इनमें से डायमंड कॉमिक्स की लोकप्रियता 80 और 90 के दशक में बच्चे बच्चे की जुबान पर थी। आज के दौर के नए पब्लिशर्स जैसे कि विवेक गोयल, रवि राजाहूजा, भूपेंद्र ठाकुर, जहां एक तरफ लगातार नए कॉमिक बुक्स और ग्राफिक नॉवेल्स मार्केट में लाकर कॉमिक बुक कम्युनिटी को बढ़ा रहे हैं, उसको सशक्त कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसा कोई भी नहीं होगा जो ये कह सके कि उन्होंने डायमंड कॉमिक्स नहीं पढ़ी होगी या वो इनके फैंस नहीं रहे होंगे। डायमंड कॉमिक्स सब ने पढ़ी थी, स्पेशली 80s और 90s में जब प्रिंट मीडिया अपने चरम पर था। पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, बुक रीडिंग हम सभी की जिंदगी का हिस्सा थी, आज भी है। लेकिन बड़ी अजीब बात लगती है कि आज के इस इंडियन कॉमिक बुक रिवाइवल एरा में हम सुपरहीरोज की बातें तो करते हैं, उन पर लगातार वीडियोस भी बनाते हैं, लेकिन इन कैरेक्टर्स का क्या जिन्होंने हमारे और हमारे बड़ों के बचपन को भी इमेजिनेशन के पंख दिए, उनके बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा, उनके बारे में इतने समय से क्यों नहीं कोई वीडियोस बना रहा? क्या इस सुपरहीरो एरा में जहां भारत का सारा यूथ मार्वल और डीसी के कैरेक्टर्स को जानता है, पहचानता है, अपना मानता है, और भारतीय कॉमिक बुक्स एक छोटी कम्युनिटी तक ही सीमित रह गई है, क्या ये कह देना वाकई पॉसिबल होगा कि अब रीडर्स को चाचा चौधरी की जरूरत नहीं है? क्या ये दृष्टता की जा सकती है वाकई में? क्या प्रीमियम क्वालिटी, कलेक्टर्स एडिशंस और फ्रीबीज के बीच डायमंड कॉमिक्स जैसे लेजेंडरी पब्लिकेशंस खो सकते हैं? कॉमिक बुक्स की लेगेसी को समझने के लिए हमें उन लोगों को जानना होगा जिन्होंने इस कल्चर को बनाया और बढ़ाया। कुछ ऐसे लेजेंड्स जिनका नाम कॉमिक बुक्स की दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो गया है। ऐसा ही एक नाम है गुलशन राय, द फाउंडर, पब्लिशर एंड द एडिटर ऑफ डायमंड कॉमिक्स प्राइवेट लिमिटेड। आज की डेट में भी ऐसा कोई इंडियन पब्लिशर, राइटर और आर्टिस्ट नहीं होगा जिसे गुलशन सर के बारे में ना पता हो। डायमंड कॉमिक्स से कहीं पहले से गुलशन सर की फैमिली किताबों के बिजनेस से ही जुड़ी हुई थी। उनकी फैमिली पार्टीशन से पहले पाकिस्तान से थी। आफ्टर द पार्टीशन वे दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने पंजाबी पुस्तक भंडार की स्थापना 1950 में चांदनी चौक के दरीबा बाजार में की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गुलशन सर शुरू से अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। उनका इंटरेस्ट एक स्टूडेंट के तौर पर साइंस में था, जिसमें उन्होंने अपना ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स में फर्स्ट डिवीजन से करके IIT एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर किया। लेकिन उनके पिता हमेशा से चाहते थे कि वो अपने फैमिली बिजनेस को संभालें, जो आगे चलकर उन्होंने किया। पंजाबी पुस्तक भंडार को संभालने के बाद धीरे धीरे वो दिल्ली जोन के सबसे बड़े और बेस्ट सेलिंग पब्लिकेशंस के डिस्ट्रीब्यूटर बने, जैसे कि इंद्रजाल कॉमिक्स, अमर चित्रकथा, चंपक, लोटपोट, मधुर मुस्कान, दीवाना तेज और चंदा मामा। आज की जनरेशन को शायद ये सिर्फ नाम लगे, लेकिन बैक इन दोज डेज
कॉमिक बुक्स और किड्स मैगजीन बेहद पॉपुलर थी। ये वो समय था जब भारत में फॉरेन कॉमिक बुक कैरेक्टर्स की बाढ़ सी आई हुई थी। फैंटम, मैंड्रिक, हीमैन, सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, आर्चीज, टिनटिन, ये सभी भारत में 70 से पढ़े जा रहे हैं। फरवरी 1975 में अपने पिता के निधन के बाद अपने भाई के साथ मिलकर श्री गुलशन राय ने दरियागंज में डायमंड पॉकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत करी। 1978 में उन्होंने लंबू मोटू, ताऊजी, चाचा भतीजा और फौलादी सिंह के नाम की चार कॉमिक बुक्स ब्लैक एंड वाइट में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पब्लिश करी। श्री गुलशन राय की ये इच्छा थी कि भारत में स्वदेशी कैरेक्टर्स भी आने चाहिए, जिनकी पब्लिसिटी उन्होंने विविध भारती गीतमाला पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से करी। डायमंड पॉकेट बुक्स ने हिंदी, इंग्लिश, बंगाली के अलावा 6 और भाषाओं में लगातार कॉमिक बुक्स निकाली। कुछ ही समय में डायमंड कॉमिक्स भारत में बेहद पॉपुलर हो गई। 1981 तक डायमंड कॉमिक्स एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई, जिसका पूरा फोकस सिर्फ कॉमिक बुक्स थी। आज की रेट में डायमंड कॉमिक्स भारत के सबसे बड़े कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर और पब्लिशर्स में से एक है। बच्चे, बूढ़े, जवान, डायमंड कॉमिक्स सबके लिए है। एक कॉमिक बुक फैन के नजरिए से चाहे बेहतरीन टेक्नोलॉजी आ जाए या बड़े से बड़ा सुपर हीरो फ्रेंचाइज, एक आर्टिस्ट की पेंसिल और स्याही से बने ये खूबसूरत कैरेक्टर्स कभी भी हमारे दिलो दिमाग, हमारे नॉस्टैल्जिया, हमारी आत्मा से अलग नहीं किए जा सकते। आज जहां एक तरफ हम देख सकते हैं कि बच्चे और युवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेनली मोबाइल्स में अपना संसार ढूंढ रहे हैं और कॉमिक बुक्स की जगह जैपनीज एनीमे और अमेरिकन एनिमेशन ने ले ली है, वहां आज भी इंडियन पब्लिकेशंस कॉमिक बुक्स पब्लिश कर रही हैं। नए और पुराने पब्लिशर्स की वजह से इंडियन कॉमिक बुक कम्युनिटी जिंदा है। पहले से कहीं ज़्यादा अब ये ज़रूरत है कि हम रीडिंग की हैबिट को बढ़ाने में अपना सहयोग दें, खास तौर से बच्चों के हाथों में सही उम्र में कॉमिक बुक्स थमाएं। उनको पता चले कि चाचा चौधरी, पिंकी, बिल्लू, रमन, ये सभी वो भारतीय पात्र हैं जिन्होंने 3 दशकों से भी ज़्यादा समय से पाठकों को हंसाया है, उनका मनोरंजन किया है। ये सभी पात्र अमर हैं इनके आर्टिस्ट और पब्लिशर्स की तरह। कॉमिक बुक्स सिर्फ बच्चों के लिए होती है ये तो सच नहीं है, लेकिन डायमंड कॉमिक्स खास तौर से बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है ये 100% सच है। सो दिस वॉज द वीडियो गाइज, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो विद अदर्स, थैंक यू सो वेरी मच, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।